दोस्तों, आज का जो प्लान है 25x26 में बहुत ही प्यारा मकान का डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत लोग मकान बनवाते हैं, उनके पास बजट कम रहता है या फिर ज़्यादा बहुत लोग छोटा मकान बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सही प्लान आपने क्लिक किया है। 3 बेडरूम के साथ एक किचन लेटरिन बाथरूम हॉल बरामदा बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं, डिटेल बताते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो देख सकते हैं, फ्रंट जो है 25 फिट है, गहरान जो है 26 फिट है। और यहाँ पर जो भी मैंने कॉलम यूज़ किए हैं, 10x10 के कॉलम यूज़ किए हैं, और इसमें आपका 4 सरिए 12 mm का आपको यूज़ करना है। जो भी आप कॉलम यूज करें, इसमें 4 सरिए 12 का यूज करें सिंगल फ्लोर के लिए। अगर उसके ऊपर आप जा रहे हैं तो वो अलग डिजाइन होती है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको नक्शा वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम है, मैंने कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, कॉलम की बात करें तो पीछे 3 हो गया, 3 3 6, और ये 4 10 10 3 13 नंबर ऑफ कॉलम हो गया। अब एक बार बाहर की जो दीवार है उसको भी थोड़ा हाइट पे करके समझा देता हूँ कि किस तरीके से बाहर की यहाँ पे आपकी दीवार रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए, इस तरीके से आपकी बाहर की आउटर की दीवार आपकी हो जाएगी, ये आपका इस तरीके से बाहर की दीवार हो जाएगी। ठीक है, और अंदर की जो दीवार है वो सारी 5 इंची की आपकी रहेगी, बाहर की दीवार हमने 10 इंची के यहाँ पे रखा है दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका रहेगा, ये आपका रहा इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद, इस तरीके से कुछ लुक आएगा। ठीक है, तो एक बार आप कुर्सी का जो लेबल है उसको भी थोड़ा मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, कुर्सी का जो लेबल है किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये आपका कुर्सी का लेबल हो गया। मैंने कुर्सी का जो लेबल रखा है यहाँ पे 2.5 फिट रखा है। आप अपने हिसाब से 2.5 3 फिट रख के कम से कम मकान को थोड़ा ऊँचा रखें, जिससे मकान खूबसूरत दिखता है। बहुत लोगों को मकान देखा हूँ, वो लोग कुर्सी का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा डाउन रख देते हैं कुर्सी, जिससे प्रॉब्लम होती है, पानी वगैरह बरसात का लगता है तो भी दिक्कत करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कुर्सी अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कंप्लीट कुर्सी इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका मेन गेट। पहले हम स्टेप्स आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। मकान में एंट्री के लिए जो आप सीढ़ी वगैरह कुर्सी बनाए हैं उसको ऊपर पहुंचने के लिए आपको वहां पे सीढ़ी इस तरीके से स्टेप्स देना होगा दोस्तों। और यार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं प्लान का आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये आपका यहां लग जाएगा मेन गेट, यहां से आप एंट्री करेंगे, और जैसे आप एंट्री करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपको यहीं पर ही सीढ़ी दिए गए, सीढ़ी के नीचे जो एरिया बचेगा वो आपको हॉल के तरीके से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 बेडरूम के साथ 25x26 में बहुत ही प्यारे तरीके से प्लान को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, आपका ये यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये आपका एक गेस्ट रूम हो जाएगा, इसका दरवाज़ा आपको यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम का इस तरीके से दरवाज़ा आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम का दरवाज़ा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ही मिलता है आपको किचन। किचन आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका किचन रहेगा, ये आपका किचन हो गया। और किचन का जो डोर है, दरवाज़ा है, आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लगाना है दोस्तों। ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको यहाँ पे किचन का दरवाज़ा लग जाएगा। ठीक है, ये आपका किचन का दरवाज़ा। पीछे साइड देखेंगे तो 2 बेडरूम आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा टॉयलेट बाथरूम। ये आपका हो गया टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका टॉयलेट बाथरूम आपका हो जाएगा। ठीक है, पीछे साइड देखते हैं तो आपको 2 बेडरूम स्पेसियस तरीके से आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम समझा देते हैं किस तरीके से बनाया गया है। ये आपके 2 बेडरूम इस तरीके से रहेंगे, साइज़ भी मैं अभी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके 2 बेडरूम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब पूरा मकान कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। चारों साइड खिड़की वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि गांव का प्लान है, खिड़की चारों साइड आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां पे आप स्टेप से एंट्री करें, ये आपका हॉल एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका हॉल एरिया मिल जाएगा, सीढ़ी के नीचे वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इस साइड देखेंगे तो आपको एक गेस्ट रूम मिलेगा, दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट, इधर आपका किचन, पीछे 2 बेडरूम आपको इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब साइजेस आपको समझाते हैं किस तरीके से मकान का जो साइज वगैरह रखा गया है किस तरीके से यहाँ पे रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 25 फिट इस तरीके से आपका फ्रंट हो गया, और लेंथ की बात करें तो 26 फिट, 25x26 में आपका इस तरीके से मकान आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे गेस्ट रूम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 9x12 का आपका गेस्ट रूम इस तरीके से आपको मिल जाएगा। टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो आपका 4.5x7.7 फिट में आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से आपको मिल जाएगा। पीछे साइड देखते हैं, पीछे साइड बैक में तो आपको 10x12 का आपको पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम 10x10 फिट 11 इंच का आपको मिलता है।
यहाँ पे किचन की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ये आपका किचन 5 फिट बाई 7 फिट का आपको किचन मिलेगा। बीच में आपको जो छोटा सा हॉल है ये मिलता है 7 फिट 11 इंच मिलता है। और ये आपका सीढ़ी को समझा देते हैं, सीढ़ी हमने 2 फिट 6 इंच में बनाया है, ठीक है। और इस तरीके से आपका 2 फिट 6 इंच में आपका सीढ़ी रहेगा। और इसका जो मतलब लंबाई रखा है 10 इंची रखा है, तब एक स्टेप से दूसरे स्टेप की दूरी 10 इंची है, ऊंचाई हमने 6 इंची रखा है दोस्तों, ठीक है। 7 इंची रखा है। और ये इस तरीके से आपकी पूरी सीढ़ी वगैरह आपकी रहेगी दोस्तों। और टोटल लेंथ की अगर बात करें तो सीढ़ी में जो यूज हुआ है 8 फिट 6 इंच, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 फिट 11 इंच है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 6 फिट 8 इंच है। तो ये पूरा प्लान है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक क्लिप दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।